हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी दरगाह के बारे में बताने वाला हूँ जो कि हजरत सैयद अली मीरा दातार की दरगाह है। यहाँ पे ब्लैक मैजिक, काला जादू, ऐसी कोई भी चीज़ होती है तो यहाँ पे दूर होती है। और यहाँ पे एक तरीके से अदालत लगती है, जैसे कि किसी ने कुछ किया कराया है, कुछ अल्लाह बल्ला है, या किसी ने भूतिया साय ने जकड़ रखा है तो यहाँ पर आने से दूर होती है। जैसे कि अभी आप लोवान देख रहे हो, लोवान से भी यहाँ पर दूर होती है, यहाँ पर दुआ करी जाती है। तो दोस्तों आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ जो कि कामिल अली, जो हजरत अली मीरा दातार दरगाह के हैं, उन्होंने दुआ करी सभी के लिए। जितने भी दूर है अभी जायरीन, वे अभी नहीं आ पा रहे, तो सभी के लिए यहाँ पे दुआ करी गई है। तो अभी कामिल अली से भी मिलेंगे, पहले आपको यहाँ का कुछ नज़ारा बताते हैं और ज़ियारत करा देता हूँ। दोस्तों आप सभी को मालूम है ब्लैक मैजिक, काला जादू किसी प्रकार का होता है, जो भी भूतिया साया होता है, परेशान होते हैं लोग, अल्लाह वल्लाह से परेशान होते हैं ब्लैक मैजिक से, जैसे कि अभी आपको इस वीडियो में भी दिख रहा हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगती है और सभी प्रकार की ऐसी चीज़ें दूर होती है और सभी प्रकार की मन्नतें यहाँ पर पूरी होती है। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि एक जैसे किसी के 30, 20, 15 साल से किसी की औलाद नहीं होती तो यहाँ पे आने से औलाद की प्राप्ति भी होती है, यहाँ पे फल भी दिया जाता है। तो दोस्तों काफ़ी करामाती दरगाह है जो कि आप देख सकते हो सैयद अली मीरा दातार की, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगती है। और जैसे भी कोई भी भूतिया साया ऐसी कोई चीज़ होती है, अला वाला हाजिरी वाले ज़्यादा आते हैं यहाँ पर, क्योंकि ऐसी ही चीज़ें रूहानी जो ताकतें होती है, जो जकड़ रख जिन्होंने इंसानी शरीर को जकड़ रखा होता है, तो यहाँ पे आकर के दूर होती है। यहाँ पे एक दादी माँ की चक्की भी है, जहाँ पे जाने से मतलब जो चक्कर लगाए जाते हैं 7, 21 ऐसे चक्कर लगाए जाते हैं, तो ऐसा माना जाता है उस चक्की के चक्कर लगाने से वहाँ पे आपके शरीर के अंदर जो भी अला वला या कुछ किया कराया होता है तो उस चक्की के अंदर पिस जाता है। तो दोस्तों ये गुजरात में है जो कि उंझा शरीफ दरगाह के नाम से जानी जाती है। और अभी आपको मैं कुछ नज़ारा भी दिखाऊँगा और ज़ियारत कराऊँगा। दोस्तों किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप जो सैयद कामिल अली, इन्हों के मोबाइल नंबर आपको स्क्रीन में भी दिख रहे हैं, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मोबाइल नंबर दिख जाएंगे। तो दोस्तों आप इन्हों से कांटेक्ट कर सकते हो, और अगर किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल जवाब हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, आपको इंस्टाग्राम की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो ये आप याद कर लीजिए पहले यहाँ पर सैयद मीरा दातार दरगाह की, यहाँ पर दूर दूर से जायरीन आते हैं। और दोस्तों किसी भी प्रकार का ब्लैक मैजिक यहाँ से एक बार दूर होता है तो कभी जैसे कि आपके अंदर कुछ भी ऐसी रूहानी ताकत या अला वाला हो और आप यहाँ पे एक बार आते हो और यहाँ से सही होकर के जाते हो तो आपको ज़िंदगी में कभी वह वापस तंग नहीं करती है। तो दोस्तों सबसे बड़ी करामत है यहाँ पर दूर दूर से जायरीन आते हैं। यहाँ पर अभी तो अनलॉकडाउन लगा हुआ है, उसके बाद में हालाँकि यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं मिलती, जैसा कि आप देख सकते हो। ये पूरी याद कराता हूँ आपको और भी दिखाता हूँ आगे से किस प्रकार का नज़ारा है, पूरा नज़ारा। तो दोस्तों अभी ये वीडियो भी हमारे को वहाँ के खादी में सैयद कामिल अली उन्होंने द्वारा बनाया गया वीडियो जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों आप ये देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पे दूर दूर से जायरीन आते हैं, सभी धर्मों के जायरीन यहाँ पे आते हैं, सभी धर्मों के व्यक्ति, सभी लोग यहाँ पर आते हैं और अपना इलाज करवाते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुजूर सैयद अली दातार के दरबार शरीफ में जितने भी जायरीन सवारी मेहमान जो नहीं आ सके कोरोना की महामारी के हिसाब से, तो हुजूर सैयद अली मीरा दातार दरगाह शरीफ से मेरा नाम सैयद कामिल अली गाजी अब्दुल सलाम, तमाम मेहमानों के लिए सैयद अली दातार बाबा में सरकार की रोशनी के वक्त खड़े होकर सबके लिए दुआ करता हूँ। तमाम जायरीन मेहमान सवाली गुजरात के बादशाह आले नबी औलाद अली हुजूर सैयद अली मीरा दातार के चाहने वाले जितने भी जायरीन मेहमान सवाली है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर जात हर धर्म के लोग सैयद अली दातार के दरबार में आते हैं और उनकी मुरादें मन की तमन्ना पा के जाते हैं। हुजूर सैयद अली दातार की दुआओं से तमाम जायरीन सवाली और मेहमान की जो तकलीफ है, परेशानियाँ, मुसीबतें हुजूर पाक के सबके में नवासा है रसूल इमाम हसन हुसैन शहदा ने करबला के सबके में तमाम वलिया इकराम शहाबा वली अल्लाह के सबके में इनकी मुसीबतें दूर हो जाए। और हुजूर सैयद अली मीरा दातार मामू साहब, दादी अम्मा, रास्ती अम्मा, अबू मोहम्मद सरकार, जोशी में सरकार, शाह शाबली, शौरवली बगदादी का शाया, सरकार के दादा जान का, पूरे परिवार का साया उन तमाम गुलामों के ऊपर हमेशा बना रहे और तमाम मुसीबतें परेशानियों से दूर हो जाए और सरकार के दरबार की रोशनी की बरकत से सरकार के दरबार में चिराग रोशन होते हैं, उन मेहमानों के घरों में रोशनियाँ हो जाए और सरकार को जो मानते हैं, चाहते हैं, दिलो जान से चाहते हैं,
जो कोई कारण से नहीं आ सका, सैयद अली दातार उन तमाम मेहमानों को घर बैठे दुआएं मैं करता हूं, तमाम को घर बैठे दुआएं पहुंचे और तमाम की मुसीबतें दूर हो जाए, जो परेशान हाल है तो परेशानी से निजात पा जाए, जो बे औलाद है उसे औलाद अदा हो जाए, जो बेरोजगार है उसे रोजी अदा हो जाए और सैयद अली दातार का शाया हमेशा उनके ऊपर बना रहे। अस्सलाम वालेकुम।